चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 8। वी हैव टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 8। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पूरे मार्क्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला। अब इस चैप्टर को कराने से पहले इलेवेंथ स्टैंडर्ड में मैंने हम लोगों ने कॉनिक सेक्शंस करा था। कॉनिक सेक्शंस में आपने चार पार्ट्स करे थे, उसके अंदर एक करा था सर्कल, एक करा था एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। फॉर ऑल दोस जिनको रिवाइज करना होगा तो 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, वो वाली वीडियोस आप सभी को बेटा फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। फिर भी आई डू नॉट बिलीव कि सभी को याद होगा, तो इसलिए मैं सबकी जो फॉर्म्स है वो एक बार दोबारा से करवा दूंगा। सर्कल में जो सेंटर रहता है वो एच कॉमा के रहता है। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपके पास एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच एंड के, जो एच एंड के है वो हमारा सर्कल का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। अगर तो सर्कल का ओरिजिन जो है, अगर सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे लाए करेगा तो एच के जीरो 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 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, पैराबोला की जो इक्वेशन है ये फोर टाइप्स की होती है। राइट साइड पे कभी भी ऐसे बनता है कर्व तो इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। लेफ्ट साइड पे बनता है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये हो जाएगा। इस वाले केस में पैराबोला में यहाँ पे जो फोकस रहता है, राइट में फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा जीरो, लेफ्ट साइड पे होगा तो फोकस हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। अगर अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब जितना ऊपर होगा पार्ट उतना ये नीचे होगा, जितना एरिया ऊपर जितना एरिया उतना ही नीचे हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आफ्टर दिस चैट बॉक्स का कोशिश करके यूज करना। इसके बाद है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स जो होता है दिस इज ऑफ अगेन टू टाइप्स। यहाँ पे जो वर्टेक्स रहेगा ये रहता है हमारा ए कॉमा जीरो, लेफ्ट साइड पे जो रहेगा दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी। यहाँ पे अब जो बड़े वाला जो पार्ट है ये एक्स एक्सिस पे है, अगर बड़े वाला पार्ट एक्स एक्सिस पे रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जो मेजर एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। छोटे वाला पार्ट दैट इज माइनर एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे। इसकी जो इक्वेशन रहती है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सेकेंड पहला बोला या तो एलिप्स या तो सिमेट्रिक हो जाता है वाई एक्सिस के अबाउट। अगर वाई एक्सिस के अबाउट होगा तो इसके अंदर इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए इज ग्रेटर देन बी। इज दिस क्लियर? यहां पे हमारा फोकस रहता है, दो फोकस रहेंगे इस केस में। एलिप्स के केस में ए बी सी के बीच में जो रिलेशन रहता है वो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट कर लो इसको, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन नोट करिए बच्चे। फिर इसके बाद हाइपरबोला रह गया, हाइपरबोला कराऊंगा मैं, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
बताऊंगा अभी क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स का मतलब भी क्या होता है। हो गया बच्चे, नोट कर लिया सबने? महक इज डन, वेरी गुड महक। सॉरी, समझ आया बेटा? ये सब तो पुराना हमने करा हुआ है। वॉइस ऑफ तिलक नगर, समझ आ रहा है? ये तो याद था, ग्रेट। सहज बिंद्रा जी, समझ आ रहा है आपको? ग्रेट। अब इसके बाद हम लोग हाइपरबोला करेंगे। इन केस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला के बच्चे दो ग्राफ्स रहते हैं, एक कर्व ये वाला रहेगा और ये दूसरा कर्व रहेगा। इसकी जो इक्वेशन होती है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एंड ये वाला कर्व है, इसकी इक्वेशन होती है बेटा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलएच के केस में एबीसी में रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाइपरबोला के केस में जो रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लो इसको, क्लियर है? अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के केस में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, एरिया की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब सॉरी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। तो बताओ इसका एरिया कितना है, इस सर्कल का एरिया कितना है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल की इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। सेकेंड जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा कि हमें कितना एरिया निकालना है, क्या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है या पूरे सर्कल का एरिया निकालना है या सिर्फ आपका राइट साइड का एरिया निकालना है, किस साइड का एरिया निकालना है, सेकेंड चीज रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को। नेक्स्ट कि थर्ड अगला प्रोसेस क्या है, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां तक, जीरो से लेके ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा लेट कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है ए है, दिस पॉइंट इज a, 0। सो मेरे को इंटीग्रेट कहां पे करना है, जीरो से लेके ए तक। और ये मूवमेंट मैं कहां पे कर रहा हूं, ये मूवमेंट मैं कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। तो जब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। ये वाले पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों को इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, एक्स कहां से मूव कर रहा है, ए से लेके बी तक। और जब एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करते हैं तो वाई डी एक्स, वाई का मतलब क्या होता है, y ऑफ इक्वेशन,
y ऑफ इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन कराऊंगा समझ आएगा, और ये पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब अगर ये वाला जो आपके पास सर्कल है ये चारों तरफ सेम लग रहा है आपको देखने में, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं बोल दूंगा इसका एरिया हमें अबव द एक्स एक्सिस निकालना है तो सिर्फ दो पार्ट्स हो जाएंगे, तब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं सिर्फ एक राइट साइड की बात करूंगा तभी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सिमेट्रिक उसी डायरेक्शन में रहेगा। इज दिस क्लियर? तो क्या मेरे को समझना है कि जब भी मेरे को एरिया निकालना है और मैं एक्स एक्सिस पे अगर मूव कर रहा हूं तो हमें वाई डी एक्स लेना है, और अगर एक्स एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे अगर मूवमेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो यहां पे लेंगे एक्स डी वाई, तो वहां पे लेंगे एक्स डी वाई। नोट कर लो इसको, नोट करके पेज नंबर 361 पे एग्जांपल नंबर 1 करेंगे हम लोग। हो गया सबका? नोट कर लो इसको। अब इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एरिया निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका सेंटर लाई कर रहा है जीरो जीरो पे, और इसका जो रेडियस है वो कितना है आपके पास, ए यूनिट्स है। जब इसका ग्राफ बनाओगे आप, इसको प्लॉट करोगे कर्व को, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा अभी पूछ लो। यहां तक क्लियर है? प्रणित, मनकीरत, नोट बाद में करिएगा, सिर्फ समझने पे फोकस करो अभी। सेंटर जीरो जीरो, बाकी इसका रेडियस है, तो ये हो जाएगा ओरिजिन, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा ए कॉमा जीरो। मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, हमें क्या करना है इस पूरे सर्कल का एरिया, तमार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन करा क्यों कन्वर्ट करा है, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो इसका सेंटर हो गया और बाकी ए इसका रेडियस है, तो यहां से यहां तक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, हर तरफ ए रहेगा, जिसके आपके हो गए आपके ए कॉमा जीरो, ओरिजिन होता है जीरो कॉमा जीरो, हमें एरिया निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इसके अंदर वाला, चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो क्या है, सिमेट्रिक है, सेम एरिया है, तो चारों के लिए ना निकालने के लिए जगह मैं क्या करूंगा बेटा, सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व कर लो, एक के लिए सॉल्व कर लो और इनटू 4 कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने आपको एरिया निकालने के दो मेथड बताए, एक है वाई डी एक्स और एक है एक्स डी वाई। अगर मैं लिमिट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो एक्स कहां से जाएगा, जीरो से ए, एक्स जाएगा जीरो से ए, उस केस में लिखते हैं वाई डी एक्स,
वाई के लिए मैंने सी लिख दिया, वाई के लिए सी क्यों लिखा है, क्योंकि कर्व हमें वाई की इक्वेशन, वाई का देगा इक्वेशन देगा, किसकी देगा सर्कल की, तो सी लिख दिया। अब कैसे निकालूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? गिवन कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज x इज इक्वल टू जीरो टू a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? पहला क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं, किसी बच्चे को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ग्रेट। तो ये जो हमने एरिया निकाला है, ये एरिया सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, पर हमें पूरे का निकालना है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रूट ऑफ ये लिखा है, सर एक बार बता दो कि सी के क्या लिखा है, ये सी लिखा मतलब सर्कल है, सर्कल का नाम था वाई सी लिख दिया, मतलब आपको कर्व ऑफ सर्कल, वाई ऑफ सर्कल, अगर एलिप्स होता तो वाई ई लिख देता, पैरा और बोला होता तो वाई पी लिख देता, लाइन होती तो वाई एल लिख देता, जिससे मेरे को पता चल जाता कि किसका कर्व है, क्योंकि अब यहाँ एक ही कर्व है, आगे जब क्वेश्चन करोगे दो कर्व्स रहेंगे एक ही के अंदर। अब रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल लो, इसका इंटीग्रल कितना हो जाता है, दिस इज एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इज दिस क्लियर टू ऑल? ये इंटीग्रल रहेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको लर्न कर लेना, क्यों, क्योंकि दो तीन टाइप के ही क्वेश्चंस ना बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे, यही वाले फॉर्मूला बार बार रिपीट होते रहेंगे, बस लिमिट चेंज होती रहेगी। इसको इंटीग्रेट करना है जीरो सेम है, तो कैसे करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक्स की जगह ए डालो, ए बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस लोअर लिमिट डाल दो जीरो बाय टू ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स जीरो, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज जीरो, जीरो इंटू ए बाय टू इज जीरो, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स वन माइनस जीरो इंटू समथिंग इज अगेन जीरो, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, ये जीरो हो गया पूरा कट गया, ये भी जीरो कट गया, साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन किस पे होता है, पाई बाय टू पे, और यहाँ पे क्या है फोर, टू टू सा फोर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मैंने एरिया निकाला है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बट यहाँ कुछ नहीं गिवन था तो इसलिए क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Use your chat box. Note करो अब. Note करके chat box पे done. अब ये same question को इसके बाद ना मैं, हमने अभी x dy करा था, y dx करा है, इसको x dy से कराऊंगा, same को, same answer आएगा. हो गया सबका? नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
मनप्रीत सिंह सर कोशिश करके टाइम से लॉगिन कर लिया करो बेटा। अब इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको एरिया जब बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंट सर ये फॉर्मूला याद करना, नहीं नहीं ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये ऐसे ही लिखवाया है। हाँ बेटा ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये सेम है तो आपको लर्न करने, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये, ऐसी थोड़ी मजाक मजाक में कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, सारे फॉर्मूला जो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पेपर में लिखना और वैसे ही करके आना है, एक स्टेप भी नहीं इसमें मिस करना। अब इसके बाद आपको अभी जो हमने एरिया निकाला है, मतलब क्या लिखा, मतलब इसको, अरे यार रौनक इसको बाद ये एज इट इज लिखना है, कुछ डेरिवेशन नहीं करनी इसके अंदर, डिराइव क्यों करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। अभी हमने एरिया जब यहां पे निकाला है तो हमने एरिया निकाला है वाई डी एक्स से, जिसमें मैंने लिमिट एक्स एक्सिस वाली ली है। सेम मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर लिमिट में वाई एक्सिस की ले लूंगा, अगर मैं लिमिट y एक्सिस की ले लूंगा बच्चे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x कर देंगे, तब हो जाएगा x dy, उस केस में क्या फॉर्म हो जाएगा x dy। ये आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि y dx से एरिया निकालो या x dy से एरिया निकालो, आंसर सेम आएगा। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो सिर्फ मेरे को वेरिएबल्स को रिप्लेस ही करना है, यहाँ पे x आ जाएगा यहाँ पे y। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज को और ये हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में भी आपने पढ़ा था कि वेरिएबल रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। तो ये वाले पार्ट को दोबारा से लिख लो, इस वाले को y x dy वाले को, और इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, नोट कर लीजिए इसको। अब एग्जांपल नंबर टू कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर टू में बोल रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आपके पास एलिप्स है, जिन लोगों को स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड का नहीं भी आता नीड नॉट वरी, जो मैं ग्राफ्स करवाए थे वो याद रख लेना अब, कि कौन सा ग्राफ किसका किस तरह बनता है कर्व में, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, मतलब मेजर एक्सिस आ जाएगी इसकी x एक्सिस पे, जो इसके वर्टिस हो जाएगा ये यहाँ पे ये हो जाएगा a comma 0, चारों तरफ जो इसका एरिया रहेगा वो सिमेट्रिक है, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे इस वाले पार्ट को एरिया निकाल के इनटू 4 कर लेंगे, यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। मैं एक्स एक्सिस पे अगर मूव करता हूँ, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है दैट इज 0,0, एक्स एक्सिस से मूव करेंगे तो 0 से a तक मूव करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 से a, तब हम लिखते हैं y dx। अब मैंने इसके नीचे e लिख दिया है, मतलब y ऑफ एलिप्स, x इज इक्वल टू 0 टू a। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, यहां से y की वैल्यू कैसे निकालोगे देखो, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाओ, एलसीएम लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, b स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, दिस इज b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम लोग यहां से स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे राइट साइड पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिससे आपके पास y की वैल्यू b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। इज दिस क्लियर, y की वैल्यू b बाय a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
और ये वाला हमने एरिया भी सर इस पार्ट का है, बट मेरे को पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है जितना इसने इनक्लोज करा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? अब मैंने पीछे सेम क्वेश्चन करा था जिसपे एक्स जीरो से ए 4 टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करा था, उसका आंसर आ रहा था पाई ए स्क्वायर। उसका आंसर क्या होता है? पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में बी बाय ए बी है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में जब सॉल्व करे तो बाय चांस गलत हो जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया निकालते हैं वो पाई ए स्क्वायर आता है। अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि देखो फाइनल में यही आंसर आएगा। 4b by a तो कांस्टेंट है, इस पूरे की आपके पास वैल्यू क्या होती है? x by 2 square root of a square minus x square, a square by 2 sin inverse x by a 0 to a। और अभी पीछे आपने इसको इंटीग्रेट भी करा था, दोबारा से कर लेते हैं। अब हमने करा था, मुझे पता है इसका आंसर ये है ना, बट हम फिर भी दोबारा करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। अपर लिमिट, साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस लोअर लिमिट, नाउ 4b by a, this is 0 plus a square by 2 sin inverse 1, और sin inverse 1 की वैल्यू होती है pi by 2 पे, माइनस पीछे का सारा 0 है। क्या आंसर आ गया आपके पास? 4b by a into pi a square by 4, b by a into pi a square, that is pi a b square units. Is this clear? नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करिए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ये वाला सेम क्वेश्चन आप लोग एक्स डी वाई से भी करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। मैं बस उसकी इक्वेशन फॉर्म करवा दूंगा कि उसमें सॉल्व जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी। बच्चे फटाफट यूज योर चैट बॉक्स, जल्दी नोट करिए इसको। सॉरे मन्नत वैभवी, बच्चे फटाफट नोट करो। लवांश, नवनीत, समझ आ गया सारा? ओके अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता y x dy वाले फॉर्मूला से, तो एक तो हमारा ये चेंज हो रहा होता, अगर हम इसको अब दूसरे वाले से कर रहे होते आंसर देखो सेम ही आएगा। उस केस में एक्स एक्सिस से पॉइंट नहीं लेंगे, वाई एक्सिस से पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0, b। एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई फ्रॉम 0 to b एक्स डी वाई, एक्स डी वाई
यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x square by a square is equal to 1 minus y square by b square is equal to b square minus y square by b square, a square को ऊपर ले जाओ, a square by b square bracket b square minus y square, square root डाल देंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा a by b b square minus y square. Is this clear? सर अगर C लिखना भूल गए, कौन से वाला C? ये वाला हाई, इसकी बात कर रहे हो आप? हाई कोसाइन बेटा ये E लिखा हुआ है, एलिप्स. अगर इसको नहीं लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि पहली एक्सरसाइज ना बेसिक है और उसके अंदर आदत पड़ गई तो ठीक है. क्यों? क्योंकि जो मेरा सेकंड वाला जो एक्सरसाइज है, जो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, हमें उसका एरिया निकालना है जो एलिप्स और पैराबोला के बीच में है, सर्कल पैराबोला के बीच में है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तब उस केस में ना दो बार अगर आप लिख देते हो तो उसमें आपको भूल जाते हो कि पता नहीं चलता कि कौन सा वाला पार्ट देना था. इसलिए मैं लिखवा देता हूँ कि कैसे करना है हम लोगों ने. Now, हाँ कृष्णा मेरे को पता है बेटा, 0 टू b x, x की वैल्यू कितनी आ गई है, a by b root of b square minus y square, a by b root of b square minus y square dy, 4a by b, इस पीछे पूरे को पीछे इंटीग्रेट करा था तब वहां पे क्या आ रहा था आपके पास, पाई ए स्क्वायर. यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा पाई बी स्क्वायर, जिसकी वजह से पाई बी स्क्वायर अपॉन फोर, जिसकी वजह से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट. इज दिस क्लियर? यहां तक लिख लो, लिख के नोट चैट बॉक्स पे, डन. फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे इसके बाद, नोट करिए. नोट करो बच्चे. नोट करके चैट बॉक्स पे, डन. ग्रेट, आसान है. चलो वेरिएबल्स ही तो इंटरचेंज हो रहे थे और यहाँ पे ए और बी इंटरचेंज हो रहे थे. एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4. एग्जांपल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास कर्व जो दे रहा है वो दे रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 4. वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व ऐसे ऊपर की तरफ बनता है. पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी क्या है आपके पास, पैराबोला हो जाएगा. इसके बीच का एरिया निकालना है हमें एंड y is equal to 4. This is origin 1, 2, 3, 4. ये लाइन हो जाएगी y is equal to 4 की. Is this clear? अब इनके बीच का एरिया निकालना है हम लोगों को, तो इनके बीच का जो एरिया है वो ये वाला आपके पास एरिया आ जाएगा. इनके जो बीच का एरिया है वो ये एरिया आ जाएगा. अब मैं यहां से यहां तक मूव करता हूं, ये वाला पॉइंट है हमारा 0.4. सिमेट्रिक एरिया है हमारा राइट एंड लेफ्ट पे, तो यहां पे ट्वाइस हो जाएगा. वाई कहां तक जा रहा बेटा, 0 से लेके 4 तक, और हम यहां के लिखेंगे एक्स डी वाई. अब ये जो कर्व है ये किस, कौन सा कर्व है, ये पैराबोला है.
तो एक्स ऑफ पी लिखेंगे मतलब पैराबोला, पैराबोला वाला कर्व ये रहा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा। इज दिस क्लियर? लबान सेकेंड एक्सरसाइज है वो, दिस इज एक्स पी 0 to 4, वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दो, वाई इज इक्वल टू 0 से 4 एक्स पी, एक्स पी कहाँ गया ये रहा, रूट वाई डी वाई, रूट वाई का मतलब हो जाएगा वाई की पावर हाफ, y रेस्ट टू द पावर 3/2 / 3/2, 0 से 4 तक दिस इज 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 माइनस 0 रेस्ट टू द पावर 3/2, 4 होता है 2 स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम 2 क्यूब। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ, 4 होता है 2 स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, पावर से पावर कैंसिल, 2 क्यूब, 2 क्यूब 8, 8 4 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इज दिस क्लियर? फटाफट नोट करिए, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, किसी का डाउट है तो डाउट लिख दीजिएगा चार्ट बॉक्स पे। नोट करिए बच्चे इसको, नोट करके चैट बॉक्स पर डाल। नेक्स्ट, नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 4। यहां पे आपके कह रहे हैं बेटा फाइंड द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो अभी तक आपको कोई क्वाड्रेंट नहीं बोला था, सिर्फ टोटल एरिया बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब आपको एरिया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, y इज इक्वल टू x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये सर्कल है, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y रूट 2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर। सबसे पहले वाला जो कर्व है आपके पास ये है, y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x, ओरिजिन से लाइन पास हो जाएगी जो कि 45 डिग्री बनाएगी x एंड y के साथ, इज दिस क्लियर? जिन लोगों को नहीं पता है कैसे बनाया है, x को 1 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, x 1 y 1, x को 2 पुट करेंगे तो y भी 2 आ जाएगा। और सेकंड आपके पास है सर्कल, सर्कल का सेंटर कहाँ लाया कर रहा है बेटा, 0 0 का सेंटर लाया कर रहा है, सेंटर ये रहा, और रेडियस कितना है, 4√2, सेंटर ये रहा, रेडियस 4√2। ये जो पॉइंट है ये 4√2,0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चे? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
आपको एरिया किसमें निकालना था, एक्स एक्सिस y इक्वल टू दिस एंड दिस p 3 थर्ड टर्म, एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्कल तीनों के बीच का एरिया निकालना है, क्लियर है एरिया। अभी जो एरिया है दिस इज नॉट सो इजी टू फाइंड, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है ये सिर्फ एक सिंपल कर्व के अंदर नहीं आ रहा, ये सिर्फ जो एरिया है ये लाइन या सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, ये लाइन और सर्कल दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे से एक परपेंडिकुलर बना देना नीचे की तरफ, वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बना देंगे। ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा है, कैसे करेंगे, y is equal to x और x पर plus y square equal to 32, x y के equal है, value substitute कर दो, y square plus y square equal to 32, 2 y square is equal to 32, y square is equal to 16, तो y की value कितनी आ जाएगी आपके पास, plus minus 4, but ये positive value ले रहा हूँ, तो ये point आ गया हमारा 4, और y और x दोनों बराबर है, तो ये 4 आ जाएगा, जो नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4.0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी तक जो हमने कहा था एक ही कर्व था, यहाँ पे दो कर्व्स हैं, दो कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां से परपेंडिकुलर ले आए, फिर एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स को एक्स की वैल्यू वाई मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, इससे एक्स और वाई निकाल लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया उसके बॉटम वाला पॉइंट भी। अब एरिया देखो, जीरो से लेके फोर तक का जो एरिया है ये किसके अंडर है, जीरो से फोर तक का जो एरिया है ये लाइन के अंडर है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, एरिया एक्स इज इक्वल टू जीरो से फोर, एक्स एक्सिस में मूव कर दो तो वाई डी एक्स सीधे किसके अंडर है, लाइन, तो वाई एल लिखा है, वाई ऑफ लाइन, उसके बाद का एरिया फोर से फोर रूट टू का एरिया ये किसके अंडर है, सर्कल के अंडर है, प्लस एक्स इक्वल टू फोर से फोर रूट टू वाई ऑफ सर्कल। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यूज योर चैट बॉक्स। एक्स इज इक्वल टू जीरो से फोर, वाई ऑफ लाइन, ये ना वाई ऑफ लाइन वो तो एक्स के इक्वल ही है, यहां पे आ गया एक्स, 4 से 4 रूट टू y ऑफ सर्कल, 4 रूट टू का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 रूट टू स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, कौन सा फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहां पे x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इसके आगे। सर शायद ये क्लास 10 में सर्कल चैप्टर में, नहीं नहीं सर्कल में दसवीं में कुछ नहीं था ऐसा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, मार्क करवा रहा हूँ जो आपने करने हैं। नोट करिए बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डाल। हो गया? नाउ आफ्टर दिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए बेटा। फर्स्ट सेकेंड ज्यादा मत करना, आप सिर्फ 8 तक आप लोग कर लेना, 1 to 8
सिर्फ 1 to 8 आप लोगों ने करने हैं बच्चे, और जो डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगी क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस है, सेकंड एक्सरसाइज तो डिलीट हो चुकी है और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, उस पर खत्म हो जाएगा।